अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ला हासिल अनीक नाजी और शहजाद नवाज के साथ। शहजाद साहब, जब ये गुफ्तगू शुरू हुई थी और ये एपिसोड जाने लगे थे तो ख्याल तो यही था कि गपशप होगी, मेमोरीज होंगी, लेकिन लोग इसको इंजॉय कर रहे हैं। आपकी बातों की बड़ी मैं आपका यानी अमानत आपको पहुँचा रहा हूँ कि बहुत से बुज़ुर्गों के, बहुत से दोस्तों के, आपके हम असरों के, पुराने दोस्तों के, बड़ी अच्छी यादों के साथ हुई, उनको अच्छा लगा। आप तो मुझे अमानत पहुंचा रहे हैं, मुझे तो ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग जो मुझे फीडबैक दे रहे हैं वो तो ओपनली दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो आपका नाम हर जगह मौजूद है तो मुझे तो अमानत पहुंचाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने तो वो मतलब वो ट्रांसपेरेंसी इस हुकूमत के दौर में मैसेजेस पे भी ट्रांसपेरेंसी लिखी हुई है, तो आपको भी बहुत मुबारक। चलिए, इसका मतलब ये है कि ये गुफ्तगू जो है, ये वो गुफ्तगू यानी वो ना रही जो ना आ सकी, ये आ गई। यानी कुछ टीवी चैनल्स होते हैं जैसे वो ना नहीं आ सकते बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप अगर थोड़े निशानदेही कर देंगे तो बेहतर होगा मेरे लिए। जैसे मिसाल के तौर पे पर्ल नहीं आ सका, जैसे मिसाल के तौर पे, अच्छा एक और चैनल है जी, उसका नाम था प्रॉपर्टी चैनल, ये मलक रियाज साहब का एक चैनल था, और ये मैं आपको अगर इजाज़त दें तो मैं आपको बताऊँ। काइंडली प्लीज, बिकॉज मैं आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट। ये हुआ जी कि ये उन दोनों की बात है जब मैं दुनिया ग्रुप के साथ काम करता था, और एक दिन चेयरमैन मियां अमर साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि हम एक मलक रियाज साहब के साथ मिलकर पार्टनरशिप में हम एक टीवी चैनल शुरू करने जा रहे हैं जो प्रॉपर्टी का, रियल इस्टेट का टेलीविज़न होगा, और आप तैयारी करें कि वो चैनल आप उसको आप हेड करेंगे और आप चलाएंगे। मैंने कहा जी मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा ही नहीं हूँ, मैं कैसे चलाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, आप हौसला रखें और मैं आपके साथ हूँ, और हमने कुछ दिनों में एक प्रेजेंटेशन देनी है, दुनिया ऑफिस जो है इस्लामाबाद वाला है वहाँ जाके मलक साहब को और चौधरी मुनीर साहब उनको हमने एक प्रेजेंटेशन देनी है। मैंने कहा ठीक है जी, प्रेजेंटेशन कैसे देंगे जी, पावर पॉइंट पे। मैंने कहा जी मियाँ साहब, मैंने तो पावर पॉइंट पे कभी प्रेजेंटेशन नहीं दी, मुझे मालूम ही नहीं है। उन्होंने फिर खैर उसी शफकत से कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अब आप इस आइडिया पर ज़रा काम करें कि वो प्रॉपर्टी टीवी होगा तो क्या होगा, मतलब उसकी FPC क्या होगी, कॉन्टेंट क्या होगा। ये कोई दोपहर गालिबा 2 या 2:30 बजे की बात है शहजाद साहब। अगले दिन दोपहर एग्जैक्टली 2 या 2:30 बजे मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, और वो 24 घंटे मैंने वहाँ से भाई यानी उसकी रिसर्च की और कुछ नहीं किया था, एक लम्हा मैं सो नहीं सका, मैं पूरी रात उस पर 24 घंटे लगा रहा। तो जाके खैर मैंने जो कुछ कलेक्ट किया था जाके मियाँ साहब को बताया, और मैंने उनसे पहला सवाल ये पूछा कि ये जो मैंने ये कलेक्शन की है लगा के, क्या ये यही आप चाह रहे हैं, क्या मैं आपकी बात ठीक समझाऊँ। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक समझें, यही चाहिए, लेकिन अब इसको प्रोफेशनली अब हम इसकी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो मियाँ साहब ने खैर ऑर्डर किया, नवीद काशिफ आ गए, और वो सारे के सारे उनके जो क्रिएटिव के हेड्स, और फिर वो सारे ग्राफिक्स के लोग, और वो सारे मार्केटिंग एंड सेल्स के लोग, वह पूरा आपने यानी टीवी स्टेशन उसके खड़ा करना है, तो वो उसकी फिर बाकायदा एक, वो आज तक फाइल्स मेरे पास पड़ी हैं। उन्होंने 2 उसके एस्टिमेट्स बनाए कि अगर हम खुद लॉन्च करेंगे, यानी अगर मलक साहब खुद लॉन्च करेंगे तो इंडिपेंडेंट करेंगे तो उसका क्या खर्चा होगा। वो या उस दिन भी एक नाम ले रहा था ना, ओपेक्स, और जी हाँ कैपेक्स एंड ओपेक्स, जी जी जी, वो सारा तैयार हुआ। फिर दूसरी हमने एस्टिमेट ये बनाया कि दुनिया ग्रुप के साथ अगर पार्टनरशिप होगी तो क्या होगा। और मैंने पहली मरतबा यानी वो मुझे वो 2 या 3 दिन वो मैंने मियाँ साहब को काम करते हुए देखा, बहुत संजीदगी से, बहुत मेहनत से उन्होंने वो काम किया, और एक एक चीज़ उस प्रेजेंटेशन की उन्होंने खुद तैयार करवाई। खैर वो लेके हम इस्लामाबाद चले गए, प्रेजेंटेशन बड़ी शानदार, मलक साहब आए और चौधरी मुनीर साहब आए और मियाँ साहब बैठे हुए थे। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैंने वो प्रेजेंटेशन दी थी, मैं दे दी, और मियाँ साहब की बड़ाई ये है कि उन्होंने मतलब कहा कि अनीक ने सारी की सारी बनाई है, वो उन्हें इतनी पसंद आई सबको कि वो बड़ी तारीफ हो गई। मैंने फिर क्लियर किया कि वैसे मैं प्रेजेंटेशन का आदमी नहीं हूँ, क्रेडिट गोज़ टू मियाँ साहब, इनकी बड़ाई है कि ये कह रहे हैं कि मेरा को किरदार है। खैर वो हो गया। उसके बाद बात ये बनी कि जी हेड ऑफिस उसका बनेगा इस्लामाबाद में, और बहरिया पिंडी में उसका एक हेड ऑफ माइनिंग ऑफिस है, और आप इस्लामाबाद आप शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ मेरे तोते उड़ गए,
तो मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकता, बड़ा मुश्किल है आज के दौर में, क्या ज़रूरत है कि मैं। खैर इस पर कोई बहस हुई, फिर मियाँ साहब ने बड़ी शफकत की, उन्होंने कहा कि आप ये इसरार ना करें, आप यहाँ आ जाएं, मैं आपको मलिक साहब से घर ले दूँगा, मैरियम में रजिस्ट्री करा दूँगा, आप ये मत कहें कि मैं रजिस्ट्री करा दूँगा। मैं खामोश हो गया। मैं फिर मैंने कहा जी अच्छा, मैं आपको बंदा दे दूँगा एक ऐसा जो यहाँ रहेगा, मौजूद होगा, डायरेक्टर प्रोग्राम होगा, मेरे होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। खैर वो बहरहाल बात फिर आई गई होगी, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं चैनल लॉन्च होने का। ठीक, यानी बात ये हो रही है कि रजिस्ट्री करा के देंगे और आपने इस्लामाबाद शिफ्ट होना है, और यहाँ बहस ये हो रही है कि मैं इस्लामाबाद नहीं आना चाहता, मैं लाहौरी बेस में मतलब बेस रखूँगा, उस चैनल की जो आ ही नहीं रहा। नहीं, बात खामोश होगी, यानी कोई उसका पता ना चला। मैं पता करता रहा, फॉलोअप करता रहा, लेकिन कुछ मालूम ना हुआ। यानी खामोशी कि बस अब कुछ हफ्ते ठहर जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं। एक साल गुजर गया। ठीक है, ठीक। यानी लाहौर छोड़ने की कीमत इस्लामाबाद नहीं है, रहना नहीं था। सवाल ही लाहौर की कीमत कराची, मतलब अगर मैं दुनिया में किसी दूसरे शहर में रह सकता हूँ सेकेंड होम, वो लंदन है। क्या बात, तो यह लाहौर है, यह लंदन है, उसके अलावा मेरे लिए कुछ। क्या बात, वैसे अल्लाह माफ़ करे, रहना पड़े तो कैदी भी जेल में रहता है, लेकिन अगर हालात इजाज़त दें तो। अच्छा, तो कुछ साल गुजर गया शहजाद साहब, आपके दोस्त चौधरी अब्दुल रहमान साहब, गोविंदी साहब उन दोनों वहाँ काम करते थे, मेरे भाई, आपके भाई चौधरी अब्दुल रहमान साहब, तो फ़ारुख सोहेल गोविंदी साहब उन दोनों वहाँ काम करते थे, और वो उनकी स्क्रीन के लिए आप जो कहिए कि शॉपिंग कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मिलिए चौधरी साहब से। मैंने कहा मेरा मसला ये है कि मैं उनके साथ मलिक साहब के समय तो इंतज़ार कर रहा हूँ उसका टी वी चैनल। तो उन्होंने कहा कि आप आके मिले, मैं चौधरी साहब से मिलने के लिए आ रही हूँ। सच अ नाइस मैन, नाइस फेलो, वेरी डाउन टू अर्थ। तो उन्होंने कहा जी हमें इस बात पे इतराज़ कोई नहीं है कि आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना ख़त्म करें, आप बिल्कुल वेट करें, लेकिन वेट करने के साथ हमारे यहाँ शो कर लिया करें, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग के जो भी होगा हम ज़रा मतलब उसको, सीधी बात यह है कि आप मतलब मैं कैश पे ले लिया करें, और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहे, लेकिन इजाज़त ले लें आप। मैंने कहा जी ज़ाहिर है मैं इजाज़त ले लेता हूँ। मैंने मलिक साहब को इजाज़त के लिए फ़ोन किया कि जी एक मैं वहाँ जब तक आपका टी वी नहीं आता मैं यहाँ काम कर लेता हूँ। मलिक साहब का जवाब आया कि सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं आप बिल्कुल बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। साल और गुजर गया। अब इतने में क्या हुआ कि इरफान असगर, आप जानते हैं उनको, तो इरफान असगर ने ज्वाइन किया 24, और इन्होंने मुझे बुलाया एक दावत पे, और साथ में काजी सईद, और इन दोनों ने कहा कि यार बात ये है, इरफान साहब ने कहा कि मैं एक आइडिया, मुझे इन्होंने कहा कि मैं एक एंटरटेनमेंट का यही खबरनाक टाइप एक शो में शुरू करने लगा हूँ, मुज़ाकरात जैसा, तो आप उस पर आ जाइए। अच्छा अब हम बैठ के वहाँ तय कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, करते कराते टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मलिक साहब यहाँ आए, मैं मलिक साहब को बताने के लिए गया लाहौर वाले घर में। मैं कही मलिक साहब मैं इजाज़त दे दें आपकी, बड़ी मेहरबानी, दो साल हो गए हैं, तो जब आपका चैनल आएगा मैं आ जाऊँगा, मैं स्क्रीन का आदमी हूँ। उन्होंने कहा तेनों बुला कौन रहा है? मैं सर है वहाँ पे अभी गया डायरेक्टर प्रोग्राम शो शुरू कर पाए, वो यार साढ़ा तक काम शुरू होगा, तुम जरा मेरी गाल करा। मैंने इरफान सर को फ़ोन किया, मैं कहिए मलिक साहब बात करेंगे आपसे। मलिक साहब ने कहा कि इरफान क्या ये उस दिन का वहाँ बैठा हुआ है? ये उस दिन का इन्होंने मुझे इरफान से कहा, मलिक साहब ने कहा कि वो जिस तरह की आदत जी, कहा कि अपना यार तुम कल आके मैंने मिलो, अपनी एक दिन आना के 11 बजे मैंने मिलो। अब अगले दिन 11 बजे मैं और इरफान चले गए। अब वो इरफान ने मुझे शो ऑफर किया था, मैं उनको यानी कहा कि जी अब मलिक साहब ये कह रहे हैं टी वी चैनल ही ले लें। अच्छा मलिक साहब एक बड़े दिलचस्प आदमी हैं, बड़े डाउन टू अर्थ आदमी हैं, बड़े खूबसूरत आदमी हैं, और उनके एहसान भी हैं मेरे पे बड़े, और बड़े अच्छे, लेकिन जो फिल्म मलिक साहब दिखाते हैं ना एक दफ़ा आपको, यानी वो उसके मास्टर हैं, वो आपको जब बिठा के फिल्म दिखाएंगे ना तो वो आपको मरीख पे पहुँचा देंगे, यानी आप कहेंगे कि भाई ये हो गया। अच्छा होती वो फिल्म है? अच्छा ठीक है, मेरा इतफाक नहीं हुआ कभी। मैंने अच्छा होती वो फिल्म है, अब चूंकि मतलब बात करने वाला मलिक रियाज है तो आप बंदा वैसे ही ऐसे हुआ होता है कि यार ये तो मतलब जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, हमेशा ऐसा नहीं होता, ज़ाहिर है कि वो भी हालात के सर्कमस्टांसेस के दबाव में काम करते हैं ना। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जी आप इस तरह करें इरफान साहब के, आप ज्वाइन करें, और आपने इसको क्या बुलाना, आप इस्लामाबाद पहुँचे और ये करें, वहाँ पाएँ। वो मैं इरफान साहब के साथ वहाँ गया, वो बात हुई, उनकी खैर करते कराते उन्होंने ज्वाइन कर लिया वो दिन और आज का दिन। इरफान असगर साहब मेरा रहता है। अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग आपने ये सारी अपनी जो स्टोरी बताई है, और इसमें मज़ेदार बात यह है कि जब आप कह रहे थे जो चैनल नहीं आया
और फिर आपने बताया प्रॉपर्टी का, तो मैं कंफ्यूज इसलिए हुआ हुआ था जब आप सुना रहे थे, मैं सोच रहा था कि ट्रेजेक्ट्री में ये कहाँ प्लेस होता है, क्योंकि वैल्यू टीवी आ गया, चौधरी फराज आ चुका था उस वक्त। हाँ जी, और उस पर हमने बड़ी डिबेट की थी कि इसको अलग किस तरह करना, अलीम खान साहब, चौधरी फराज साहब, और एक बड़ा वो वक्त से पहले मैं समझता हूँ गिव अप कर गए, वरना आप देखें कि ये वो टाइम है जब वैल्यू टीवी आता है जब zameen.com नहीं है जी, राइट जी। और जब zameen.com आती है तो बहुत बुरी तरह पिटती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पार्क व्हील्स जी, जो ऑटोमोबाइल की वेबसाइट थी, पोर्टल था, वो पिटता है। और इवेंचुअली वो अपना डिजिटल के अंदर होता ही है कि अपनी स्पेस को कार्व करने के लिए किसी बिजनेस की तरह भी आपको रेजिलियंस चाहिए होती है, यू हैव टू गिव द ड्यू डिलिजेंस एंड प्रोसेस ऑफ ग्रोथ द टाइम। किसान के, जिसको कहते हैं ना फार्मर माइंडसेट होना चाहिए आपका बिजनेस करने के लिए, कि बीज बोने के बाद आपके अंदर इतना मादा होना चाहिए कि आप उसको बोने के बाद उसको आप उसका ख्याल रखें, फसल को परवान चढ़ें, तब क्रॉप को रीप करें। फिर जब आपने कहा मलिक रियाज, और फिर मेरे जहन में आया जिना टीवी, अगर आपको याद हो इनका एक और प्रोजेक्ट था जिसका नाम, वो जिना अखबार भी तो था। जी जी, जिना अखबार तो इन्होंने लिया था ना, शायद वो नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़े अच्छे हमारे जर्नलिस्ट हैं खुशनूद अली खान उनके साथ। नहीं जी नहीं, एक और नाम था जिन्होंने इसकी डिक्लेरेशन दे दी थी फिर इनको, खैर नाम मेरे जहन से निकल रहा है। वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो जिना टेलीविजन लॉन्च होने की तैयारी हुई, जिना टेलीविजन की तैयारी हुई, मेरी मुझे किसी ने मीटिंग के लिए बुलाया जिसके अंदर एक रिटायर्ड जनरल साहब थे और एक सिविलियन थे साहब जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर टाइप थे, और उन्होंने खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताया कि मैं जरदारी साहब का दोस्त हूँ। अच्छा, अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और क्लोज दोस्त हूँ। अच्छा जी, अब वो मुझसे डिस्कस कर रहे हैं और मुझसे पैसों की डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने बड़ी अजीब बात की, मैं कहा जी मैं तो आपके लिए काम नहीं कर सकता। तो जनरल साहब बैठे थे रिटायर्ड जो थे, हंस पड़े। उन्होंने कहा अच्छा तो आप बताएं कि अगर आपको ये पता है कि साउथ पंजाब में कितनी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर गवर्नमेंट के ग्रेवयार्ड्स भी नहीं हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, आप किस आइडियलिज्म में रहते हैं, वहाँ तो मरने के बाद भी वडेरे की मंशा चाहिए दफनन होने के लिए, आप उस निज़ाम की बात कर रहे हैं, तो आप क्या ये बातें कर रहे हैं, हम वो चीज़ें लेते हैं जो लोग बेचते हैं। तो मैंने मेरे अंदर से वो एक फॉर ऑड रीज़न, उस वक़्त कोई और रंग निकल के आना चाहिए था, सफ़ेद, काला, हरा, पीला, लाल निकल के बाहर आ गया मेरा रेवोल्यूशनरी, और मेरे साथ बैठ गया, और मेरे साथ वाले रेवोल्यूशनरी ने टेक ओवर कर ली कॉन्वर्सेशन। उसने कहा अगर पाकिस्तान में मैं वाहिद बंदा भी रहा जिसने एहतजाज करना हुआ तो मैं एहतजाज करूँगा। उन्होंने उस ज़माने में मुझे काफ़ी बड़ी रकम ऑफर की कि आप बस ये लें और आप सोच लें। रकम इतनी बड़ी थी कि उससे पहले इतनी बड़ी अमाउंट मुझे किसी ने ऑफर ही नहीं की थी, माई करियर्स बिगेस्ट अमाउंट एट दैट पॉइंट इन टाइम। मैं बड़ा परेशान हुआ और मैं डर भी गया कि मैंने कहा कि अब कमज़ोर लम्हा ना आ ले मुझ पर, होता है ना, यू नो समटाइम्स वीकनेस प्रिवेल्स ओवर यू, एक होता है। मुझे समझ नहीं आई कि मैं करूँ क्या, घर में मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने कहा मैं अगर किसी से, वाइफ से, किसी से डिस्कस करूँगा, उसने कहना ले लें आपको किधर ही इनकलाब आया हुआ है। मैंने अब सारा आलम साहब को फ़ोन किया, अच्छा आप जानते हैं आपके भी दोस्त हैं, मैंने उनको कॉमरेड कहता हूँ मैं प्यार से, मैंने कहा कॉमरेड एक बात करनी है, मैंने कहा क्या, मैं कहा जी मेरे साथ आज ये हुआ है और मुझे ये पैसे ऑफर कर दिए गए, ह्यूज अमाउंट, और बात ये इतने बड़े तो पैसे दोबारा बनने नहीं हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो आपको पता है फिर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की और कहा मुझे कि आप डटे रहें, आपने वीक नहीं पढ़ना। मैंने कहा बस मैं किसी न किसी से यही सुनना चाहता था, एंड आई सेड नो, लिटिल डिड आई नो कि वो चैनल भी लॉन्च नहीं होना, उसके तो ब्लूप्रिंट्स और पूरी ड्राइंग सब बन गई थी जो मैंने देखी उस मीटिंग में। फिर आपने रजिस्ट्री की बात की तो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग, एक और मेरे जहन में अपना एक ख्याल आया कि आप बात कर रहे थे कि ऑफर हुआ, एक चैनल के साथ जब मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता था उसके सीईओ ने मुझे एक घर ऑफर कर दिया,
मैं किराए के घर पे रहता था, और जो उन्होंने मुझे घर ऑफर किया उसकी उस वक्त मालियत 3.5-4 करोड़ होगी, 2005 की बात कर रहा हूँ, 2005-06 की, विच वॉज क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी, 500 गज का डिफेंस में कराची में घर होना। आप मानेंगे ये बात, ये सुनते ही मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा तुमने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की है। ओह डियर। और मैं इतना नाराज हुआ इस बात पे कि मैंने छोड़ दिया। ओह डियर। रात को मैं घर आता हूँ, शाम को बरकत सिद्दीकी एक टेलीविजन के एक कैरेक्टर दोस्त हैं, डायरेक्टर हैं, मुंह से कैरेक्टर निकल गया माजरत, खैर कैरेक्टर भी हैं बहुत प्यारे, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो मेरे घर आ गया तो मैं आंखें मेरी लाल हुई थी, क्या हुआ, मैं रोया था। अब रोए से मुराद है जब बरकत घर आया तो मैं मतलब आंखें लाल थी, थोड़ा मुझे शिद्दत थी, मुझे गुस्सा था, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। और उसी वक्त मैं CEO को ईमेल लिख के बैठा था, और उस ईमेल में मैंने लिखा था कि आज तुमने खुदा बनने की कोशिश की है। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं जिस तरीके से एक बड़ा अपन, मैंने आपको एक, आपको याद है हमने इब्तदाइया रिकॉर्ड कराया था, गालिबन 3 मिनट का था, लाहसिल के ऊपर, और मैंने आपको ये कहा था कि अपने साथ मैंने जितनी दुश्मनी की है शायद ही किसी इंसान ने अपने साथ इतनी दुश्मनी की होगी। और मैंने फिर आपको जॉन एलिया साहब का शेर पढ़ा था कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, क्योंकि इतना अजीब हूँ कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। आई फेल्ट कि जिस चीज़ के अंदर मेरी मेहनत शामिल नहीं होगी और वो मुझे किसी गिफ्ट के तौर पर दिया जाएगा, लिहाजा मेरी आँख नीची हो जाएगी। हर एक अपना माइंड सेट होता है। तो जब हम ये, जब ये जिस बात पे अगर आप पूछ ही रहे हैं, जब लड़ाई हुई और चेयरमैन के सामने हुए, तो हम अब आपस में CEO और मैं बात नहीं कर रहे, चेयरमैन से मुखातिब हैं वो भी और मैं भी। तो CEO ने उनको कहा कि इनसे पूछें, इनको पता नहीं करप्शन की स्पेलिंग भी आती है। तो मैंने बच्चों की तरह करप्शन की स्पेलिंग बताई, उनका बिल्कुल आती है। और मैंने कहा मैं इस कमरे में छुप के खड़ा हो जाता हूँ, इस पूरे इदारे के किसी भी मेरे केडर के सीनियर तरीन मैनेजमेंट के बंदे को बुलाएं, डिफेंस फेज 5 छोड़ दें, गुलिस्तान जौर में, गुलिस्तान हदीद में 100 गज का प्लॉट घर छोड़ दें, प्लॉट भी दे दें, देखें वो कैसे आपको कहेगा थैंक यू। मैंने कहा मुझे ये वादा मेरे अल्लाह ने किया है, ये कॉन्सेप्चुअल बात है। तो मैं घर, जब घर आया उस रात और बरकत से बात हुई, तो मैं ईमेल लिख के उठा था कि आज तुमने खुदा बनने की कोशिश की, क्योंकि इज्जत ज़िल्लत ज़िंदगी मौत इज्जत और रिस्क लेना देना तुम्हारा अख्तियार नहीं, और ये तुमने, मैंने उनको लिखा गुस्से में कि तुमने आज मेरी जो फ्रीडम है, मेरी हुर्मत जो है, मेरी हुरियत है, उसको खरीदने की कोशिश की है। देखे ना, एक एक क्योंकि मैं, यू आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर द कंपनी, नाउ दैट आई लुक बैक, यू आर ऑलरेडी चार्जिंग फॉर द वर्क यू हैव डन। आई नो या तो ये सबके लिए होता, अच्छा लैटरल होता ना, एक स्कीम होती, तो वो पैकेज आपने क्यों कबूल किया, पैसे वो जब किसी सबके नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे हुनर के थे, लेकिन घर, एग्जैक्टली, सुने देखें, लेट मी फिनिश। आप तो बोलने का मौका। उसके साथ एक कैवियट था। कैवियट क्या था, कि आप 5 साल हमें नहीं छोड़ेंगे, ये क्या है, अच्छा कंडीशन थी, ये क्या है, हाँ ठीक है ठीक है, 5 साल क्यों नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब है 5 साल आप मुझे जलील कर सकते, मतलब मैं समझ गया ना, वो नहीं ना, ठीक है, ओके पॉइंट, ओके। सो उस जिस वक्त आप रजिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो मुझे बस ऐसे ही मैंने कहा बात से बात निकली है तो आपके साथ, अच्छा, ये शेयर करूं। ये देखिए मजे की बात इसमें जो हमारे लिए, मेरा ख्याल है कि इंसान को, ये आप जो अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं, ये मैं कर रहा हूँ, ये बुनियादी तौर पर तो हमारी मेमोरीज हैं, लेकिन आने वालों के लिए हैं कि वो ये गलतियाँ ना करें या हमसे कुछ सीख लें। मलक रियाज जैसा, मतलब एक आप कहिए कि टाइकून, मियाँ आमिर महमूद जैसा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, और चौधरी मुनीर जैसा एक जज, मतलब है ये 3 लोग मिलकर इरादा करते हैं कि हम एक प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का टेलीविजन लेकर आएंगे, हम उसका एक डिजिटल मैगजीन निकालेंगे, हम एक ऐप निकालेंगे, और ज़ाहिर है कि ज़मीन.com उस वक्त भी फोकस था कि इनसे बेहतर कैसे काम करना है और इनसे बेहतर हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, ज़मीन आ चुका था, ज़मीन.com आ चुका था, और बड़ा ठीक, मतलब ठीक था, ठीक।
तो ये बात मेरा ख्याल इस बात को कुछ 4 साल हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी रीसेंट एक्चुअली। ओके, आई एम सॉरी, मैं वैल्यू टीवी से रिलेट कर रहा था उस टाइम को, उस दौर को। जी हाँ जी, 2014-2013 के बाद वो तो फिर 24 बन गया ना। जी 24 जब बना तो 24 सारा इरफान सर आ चुका था, फिर उसके बाद छोड़ दिया गए। तो जो इसमें बात समझने की है वो ये है कि इस तरह के लोग भी एक यानी इरादा करें और एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने का इरादा करें, और ये तीनों अपनी अपनी जगह इतने बड़े लोग हैं कि इन्हें ज़रूरत नहीं है किसी पार्टनर की, ये खुद खेल सकते हैं। लेकिन ये तीनों मिलने के बावजूद भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ऐसे ही इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूट हो जाना और उसकी प्लानिंग होते रहना, ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं। कतई नज़र इसके प्लानिंग करने वाला कौन है। ऐसे ही। और दूसरा यानी मलिक साहब का, जो अब फिर उन्होंने बाद में आप लिया, बंद कर दिया। मलिक साहब वैसे बहुत ही सादा आदमी है। यानी आप कितने सादा हैं बताएं ना मुझे। वो इतने सादा हैं कि मैं आपको बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प बात है कि मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। एक दफ़ा मैं सुबह चला गया, वो बड़ी शफकत करते हैं, तो मैं मतलब अभी भी उनके घर में मतलब बगैर उसके चला जाता हूँ अपार्टमेंट के। ठीक है। तो वो इतने सादा आदमी हैं कि आप जो समझिए कि उन्होंने सफ़ेद सी एक छोटी सी सफ़ेद एक धोती पहनी हुई है और बिल्कुल सादा कुर्ता पहना हुआ है, और वो सामने एक टेबल रखी हुई है और टेबल पे अब वो मिसाल के तौर पे शेव कर रहे हैं और 4-6-10 लोग बैठे हुए हैं और वो बातें भी कर रहे हैं, शेव भी कर रहे हैं। तो वो जो शीशा उनके सामने रखा होता है ना, यानी जो यानी उसको देख के वो शेव कर रहे हैं उसी से, वो यानी वो बिल्कुल शीशा वो है जो आप आमतौर पर देखते हैं ना, कोई यानी कोई दरख्त के नीचे जो, मैं समझ गया, वो जो प्लास्टिक का एक घूमने वाला ग्रीन या रेड जैसे होते हैं, बिल्कुल समझ, वो ग्रीन रख के वो मतलब वो जो है वो अपना शेव कर रहे होते हैं, और बिल्कुल उनके यहाँ यानी किसी तरह का कोई आजजी को फुकर की इंतहा मिलेगी आपको। यानी ये अगर कोई आदमी बाहर से गैर मुल्की आए जिसको मालूम ना हो कि ये पहचानता ना हो कि ये कौन है, तो शायद वो यानी बाकी लोगों को कहे कि शायद ये मलक रियाज है। यानी ये सादगी, ये सादगी सेल्फ अशोर्ड ना, रीअशोर्ड मतलब कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट है चूंकि वो, तो ये उनका एक। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं बात। अब ये है कि वो मलक साहब का टीवी तो ना आया, सच्ची बात है। इरफान असर बेचारा अभी तक बैठा उम्मीद लगा के, अल्लाह उस पर रहम करे। लेकिन जो टीवी आने हैं, जो ना आ सके, अब तो जो मौजूद हैं उनकी बंद होने की गुफ्तगू हो रही है, तो जो प्रोफेशनल वर्क फोर्स है शहजाद साहब, अब सारे लोग शहजाद नवाज तो नहीं है ना, जो घर को भी ठोकर मार दें और अपनी और ठोकरें खाते रहे, जो असूल पे अना पे नहीं, आपने अना का लफ्ज यूज किया, असूल असूल पे असूल, तो वो जो बेचारा एक्चुअल वर्किंग प्रोफेशनल है उसके लिए कोई उम्मीद आप देखते हैं? यानी अब चेंज ऑफ आ रहा है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म से, वो क्या ले सकता है अपनी, यानी अर्निंग कहाँ से वो करे, कहाँ जाए, क्या करे? देखिए हमने क्या किया कि जिस वक्त हम बात थोड़ी सी पीछे चली जाएगी, जो हमने पहले इस तमाम एपिसोड में गुफ्तगू की है, ये ग्रोथ ही बड़ी अननेचुरल थी। ये ऐसा है ऑर्गेनिक वर्सेस सिंथेटिक। ऑर्गेनिक ग्रोथ जब होती है ना जी, किसी चीज़ की भी, किसी फील्ड की, वो नशोनुमा जब होती है एक माशरे में, सोसाइटी में, इंडस्ट्री में, वो एक नेचुरल कोर्स होता है। ये सिंथेटिक था, इतनी ज़रूरत थी नहीं जितने लोग चाहिए थे। अचानक सबके जो मॉडल्स थे वो इतने एम्बिशियस थे, आप देख लें हर चैनल ने बाय एंड लार्ज डबल रिसोर्स रखी। आपको खुद पता है कि हमारे जो भाई हैं, हमारे जो कोलीग्स हैं, वो जब प्रिंट में थे वो क्या थे और किस चादर में सोते थे, और टेलीविज़न आने के 10 साल के अंदर अंदर के अरसे में वो चादर का साइज़ कितने हज़ार गज पे हो गया, कि मेरा ख्याल जितनी टांगें पिला लें उसके बावजूद भी बहुत चादर थी। वो तो अननेचुरल है, अननेचुरल नहीं जी। अब उसको, अब आप बेमिसाल देता हूँ, अब एक अगर होस्ट था, एंकर था या शो होस्ट था, उसका पूरा एक डिपेंडिंग कि वो क्या किस वक्त उसके वो उस वक्त किस जगह पे खड़ा हुआ है मीडिया में, उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, उसकी जो भी चीज़ें हैं, उसकी टीम आप देखें 20 से 22 बंदों पे भी हो सकती थी। जी ये तो है, ये तो है, तीन बंदों पे भी हो ये सकती, ये तो दुरुस्त फरमा रहे हैं, राइट। सो रिसर्चर्स, एसोसिएट प्रोड्यूसर, आपका मेकअप आर्टिस्ट अलग है, वार्डरोब स्टाइलिस्ट अलग है, आपके एडिटर्स की टीम अलग है, मतलब रिसोर्सेस। शो एंकर से लगता था कि ये तो कोई शाहरुख खान को बॉलीवुड वाला मामला हो रहा है, ऐसा ये तो कोई फिल्म इंडस्ट्री बन गई, और हुआ आपके सामने तो फिल्म इंडस्ट्री बन गई आपके सामने, और ये हो गई वाकई फिल्म इंडस्ट्री बन गई। अब उससे क्या हुआ, उससे जो है नंबर गेम जो है अगर आप देखें ह्यूमन रिसोर्स का, वो बढ़ा। अब जब इन्होंने अपने आप को जब मार्केट में देखें, करेक्शन आई है, और अब जब आई है तो जाहिर बात है
आप सबसे पहले किस, देखें आपको देखना पड़ेगा सिंपल लॉ ऑफ बिजनेस, लायबिलिटी एंड एसेट। मुझे बताएं आप सलमान इकबाल के बारे में जो राय रखते हैं उनके बिजनेस एक्यूमेंट की। जी जी बिल्कुल मैं कायम हूँ। वो भी या लेट से चौधरी अब्दुल रहमान भी या मलिक रियाज भी जो बिजनेस एक्यूमेंट रखते हैं, उन सबको एक चीज पता है, अपने बिजनेस के खाते पता है। ठीक बात, राइट। चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो एक वर्कर है, चाहे वर्किंग जर्नलिस्ट है, कोई भी दुनिया में हो, उसको अपने खातों का हिसाब यानी कि अपने जमा खर्च पता होती है। लिहाजा एसेट को कभी भी कोई रायगा नहीं करता, लाइबिलिटीज को करते हैं। ये तो कसूल है ना। अच्छा अब द वे फॉरवर्ड, वो प्रोफेशनल्स जो बेचारे, जी जी अब मैं उस पे आ रहा हूँ। अब जिनको उन्होंने जिनको ले ऑफ किया वो लाइबिलिटीज थे, उनके बगैर चल सकता था। कहने दीजिए, नॉट जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, हामिद मीर रहेंगे, कामरान खान रहेंगे, शाहजेब खानजादा रहेंगे, राइट। ये लोग रहेंगे, इनके नीचे जो जो है वो कम लोगों से काम करें या ज़्यादा, वो फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये लोग जो फारिग हुए, आप तो उसकी बात कर रहे हैं, और दूसरा कीप इन माइंड इस सारे टेलीविज़न के मैजिक को देख के जो हज़ारों की तादाद में मास मीडिया के अंदर स्टूडेंट्स गए जी, जो ग्रेजुएट हुए और अब होने वाले ये हैं, जो एक 90s में आया था ना MBA मार्केटिंग, MBA मार्केटिंग, MBA मार्केटिंग, 2000 में ये मीडिया मैस कम्युनिकेशन, मीडिया मैस कम्युनिकेशन, यहाँ तक के ये जो प्रोग्राम्स हैं, जो फैकल्टी है इस डिसिप्लिन की, मैस कम्युनिकेशन, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म, टेलीविजन जर्नलिज्म के ऊपर कोर्सेज आ गए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ी तादाद वो है जो कि अब भी जॉब ढूंढ रही है। अब क्या हुआ, उन लोगों ने जो स्कूलों से पढ़े थे, सबसे पहले उन बच्चों ने डिजिटल का रुख किया, दे वर द फर्स्ट वंस टू गो। बिल्कुल। अच्छा, ये जो जॉब से निकले थे, इनके साथ ट्रेजेडी हुई थी। पहली ट्रेजेडी ये हुई थी कि दे हैड अ फिक्स सिस्टम रनिंग एंड देर वॉज सो मच ऑफ जॉब सिक्योरिटी, यहाँ तक कि मैनेजमेंट का स्टाइल भी ये होता था नाजी साहब, जंग ग्रुप से आपको कोई नहीं निकालता था। HR वाले बड़े साथ एम्प्लॉयज के अपने खड़े होते थे जी। ठीक है जी, इनफैक्ट आपके अप्रेजल्स होते थे और आपको अप्रेजल्स मिलते थे। ये लोगों ने सबसे पहले उस शॉक के बाद इन्होंने और जगह अप्लाई करना शुरू हुआ, डिजिटल का रुख नहीं किया। डिजिटल पे वो बच्चा चला गया था जो अभी फिल्म स्कूल में पढ़ रहा था, टेलीविजन स्कूल में पढ़ रहा था, या ग्रेजुएट किया था और उसको समझ आ रही थी कि नौकरी नहीं है, या वो जो स्कूल की असाइनमेंट्स के दौरान हम असर सारे बच्चे बैठ के आपस में डिसाइड करते थे, हम शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, हमें ये कंटेंट बनाना चाहिए वगैरह वगैरह। कीप इन माइंड कि ये साथ साथ हो रहा था कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म इमर्ज होके आ तो पहले के थे, विमियो आया हुआ था, डेली मोशन आया हुआ था, यूट्यूब आया हुआ था, ये कोई नए तो नहीं थे, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, जो आप फाइल का साइज अपलोड कर सकते थे, जो आप क्वालिटी कर सकते थे, याद रहे कि HD उस वक्त नहीं आया हुआ था, आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन यानी SD में काम कर रहे थे जिसकी अपनी 4x3 की लिमिटेशन थी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी कंज्यूमेबल जो है, प्रो कंज्यूमर जो कैमरास चीज़ें, एरेट मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स और गैजेट्स कम होना शुरू हुए प्राइस में, उन बच्चों की एक्सेसिबिलिटी बढ़ना शुरू हुई, उन्होंने वहाँ कॉन्टेंट, तो वो लीडर्स थे, अनसंग हीरोज। बिल्कुल ठीक। उसके बाद मेरे आप जैसे लोग जिन्होंने इधर उधर ट्राई करना शुरू किया, यानी मेरे आपसे मुराद है कि जो हमारी कम्युनिटी के लोग थे, हमारी फ्रेटर्निटी के, कोई कैमरामैन था, कोई एसोसिएट प्रोड्यूसर था, उन्होंने थक हार के इस जानिब कदम रखा। ठीक है। अच्छा, लेकिन उसमें जो मेरे ख्याल अब एपिसोड का टाइम खत्म हो रहा है, मैं यहाँ पे बात खत्म करता हूँ। अगर आपको याद, आपकी टाइमिंग को सलाम है, मैं यहाँ पे बात खत्म करता हूँ। मैं कमाल है, आपकी आपको याद है जब सिनेमा के बाद टेलीविजन आया और ये अमिताभ बच्चन वगैरह सारे क्या करते थे यहाँ पे, और वो हॉलीवुड के लोग वहाँ पे कि जी ये क्या छोटा आइडियट बॉक्स, फिल्म का क्या क्रेज है, टीवी के हमारे सामने क्या हैसियत, हमारा वकार ख़त्म हो जाएगा आपकी टीवी, यानी किसी भी टीवी में आने से। उन सब ने बाद में टीवी में रिफ्यूज ली, खुद अमिताभ बच्चन ने भी कौन बनेगा करोड़पति का सहारा लेना पड़ा। ये बहुत जल्दी वो चीज़ रिपीट नहीं हो गई? देखिए, जब कैमरा ईजाद हुआ ना, स्टिल कैमरा, तो जो दुनिया के इलस्ट्रेटर्स थे वो एहतजाज पे चले गए थे। जब ऊबर आई तो बाकी टैक्सी वाले, देखिए दुनिया, ये इनोवेशन और इनोवेंशंस के साथ जो है कल्चर अपना नया आता है और उसमें हमेशा रेजिस्टेंस होता है। और YouTube इतना पावरफुल मीडियम बना कि वो टीवी को भी छोड़ गया। ऐसे ही दुनिया में
इसी पर बात ख़त्म करते हैं जी इस एपिसोड की। अगला एपिसोड दोबारा नई गपशप ला हासिल की, और मेरा ख्याल है कि हमें अब ये सवाल उठाना चाहिए कि ये तो हो गया जो होना था, आगे क्या करें और कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी मौजूद हैं। ये था आज का ला हासिल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।